करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं, किस तरह से तमिल नववर्ष में प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह का कोई अवसर, जिसको कहते हैं कि चूकते नहीं हैं, जब उनको सांस्कृतिक रस मेल का कोई अवसर अगर मिलता है तो। सबसे पहले निखिल, आप देखिए प्रधानमंत्री जो एक पारंपरिक वेशभूषा तमिलनाडु की इस नववर्ष के मौके पर हो सकती है, उस वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश तमिलनाडु की जो एक सांस्कृतिक विरासत है। हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन लैंग्वेज के तौर पर तमिल लैंग्वेज को जाना जाता है। बीते हफ्ते ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर थे, तमिलनाडु होकर आए हैं और किस कदर वो तमिल भाषा हो या तमिलनाडु हो उसको लेकर उनकी संवेदनशीलता, उनका प्यार रहा है। और एक बड़ा संदेश आज तमिल नववर्ष के मौके पर शामिल होकर उन्होंने दिया है कि वो इसी तरह से तमिल संस्कृति, जो एक तरह से पूरी दुनिया में अपनी जो विरासत के लिए जानी जाती है, तो उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। निश्चित तौर पर एक तरह से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके कैबिनेट के कई सदस्य भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर संभवतः ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अहम है। हमने देखा अतीत में निखिल, प्रधानमंत्री चाहे बिहू का कार्यक्रम हो या इस तरह के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, देश की जो सांस्कृतिक धरोहर, और क्यों ना हो निखिल, हमने देखा कि बीते 8-9 वर्षों में भारत ने खास तौर से अपनी सांस्कृतिक विरासतों को, धरोहरों को सहेजने का, समेटने का, उसके उन्नयन का किस तरह से प्रयास किया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में काशी में किस तरह से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया और सौराष्ट्र में भी इसका आयोजन होने वाला, सौराष्ट्र तमिल संगमम। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में तमिलनाडु, चाहे संत तिरुवल्लुवर की बात हो या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती, उनका जिक्र हमेशा करते रहते हैं। तो वो ना सिर्फ प्रभावित है तमिल कल्चर से, तमिलनाडु से, बल्कि वो तमिल पुतनाडु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप सबका प्यार है, मेरे तमिल भाइयों बहनों का स्नेह है कि आज आपके बीच मुझे तमिल पुतांडु को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। पुतांडु प्राचीनता में नवीनता का पर्व है। इतनी प्राचीन तमिल संस्कृति और हर साल पुतांडु से नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते रहने की ये परंपरा वाकई अद्भुत है। यही बात तमिलनाडु और तमिल लोगों को इतना खास बनाती है। इसलिए मुझे हमेशा से ही इस परंपरा के प्रति आकर्षण भी रहा है और इससे एक भावात्मक लगाव भी रहा है। मैं जब गुजरात में था तो जिस मणिनगर विधानसभा सीट से मैं एमएलए था, बहुत बड़ी संख्या में तमिल मूल के वो लोग वहां रहते थे, वो मेरे मतदाता थे, वो मुझे एमएलए भी बनाते थे और मुझे मुख्यमंत्री भी बनाते थे। और उनके साथ जो मैंने पल बिताए वो हमेशा मुझे याद रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जितना प्यार मैंने तमिलनाडु को किया है, तमिल लोगों ने हमेशा उसे और ज्यादा करके मुझे वापस लौटाया है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर
इस बार लाल किले से मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी। जो जितना प्राचीन होता है वो उतना ही टाइम टेस्टेड भी होता है, इसलिए तमिल कल्चर और तमिल पीपल ये दोनों स्वभाव से ही इटर्नल भी है, ग्लोबल भी है। फ्रॉम चेन्नई टू कैलिफोर्निया, फ्रॉम मदुराई टू मेलबोर्न, फ्रॉम कोयम्बटूर टू केप टाउन, फ्रॉम सेलम टू सिंगापुर, यू विल फाइंड तमिल पीपल हु हैव कैरिड विद देम देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। बीट पोंगल और पुतांडू, दे आर मार्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तमिल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ दिस। तमिल लिटरेचर इज ऑल्सो वाइडली रिस्पेक्टेड। द तमिल फिल्म इंडस्ट्री हैज गिवन सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्क्स टू अस। साथियों, फ्रीडम स्ट्रगल में भी तमिल लोगों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी तमिलनाडु के लोगों की प्रतिभा ने देश को नई ऊंचाई दी है। सी राजगोपालाचारी और उनकी फिलॉसफी के बिना क्या आधुनिक भारत की बात पूरी हो सकती है? के कामराज और सोशल वेलफेयर से जुड़े उनके काम, उसको हम आज भी याद करते हैं। ऐसा कौन सा युवा होगा जो डॉक्टर कलाम से प्रेरित न हुआ हो? मेडिसिन, लॉ और एकेडमिक्स के क्षेत्र में तमिल लोगों का योगदान अतुलनीय है। मैं मन की बात में भी अक्सर तमिलनाडु के लोगों के कितने ही योगदानों की चर्चा कर चुका हूं। साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, अनेक अकाट्य साक्ष्य है। इनमें से एक अहम रेफरेंस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में उत्तीर मेरुर नाम की जगह बहुत विशेष है। यहां 1100 से 1200 साल पहले के एक शिलालेख के उसमें भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यहां जो शिलालेख मिला है वो उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। इसमें बताया गया है कि असेंबली कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस युग में भी उन्होंने तय किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। सैकड़ों साल पहले की उस व्यवस्था में लोकतंत्र का बहुत बारीकियों के साथ विवरण मिलता है। साथियों, तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राष्ट्र के रूप में भारत को गढ़ा है, आकार दिया है। जैसे हमारे चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूरी पर कांचीपुरम के पास
तिरुमुक्कुडल में वेंकटेश पेरुमाल मंदिर है। चोल साम्राज्य के दौरान बना ये मंदिर भी करीब करीब 1100 साल पुराना है। इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थरों पर लिखा है कि कैसे उस समय वहां 15 बेड का हॉस्पिटल मौजूद था। 1100 साल पुराने पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन है उनमें मेडिकल प्रोसीडर्स के बारे में लिखा है, डॉक्टरों को मिलने वाली सैलरी के बारे में लिखा है, हर्बल ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है। 1100 साल पुराना हेल्थ केयर से जुड़े ये शिलालेख तमिलनाडु की, भारत की बहुत बड़ी विरासत है। साथियों, मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैं चेस ओलंपियाड के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु गया था, वहां मैंने तिरुवारूर जिले के प्राचीन शिव मंदिर का जिक्र किया था। यह बहुत प्राचीन चतुरंग वल्लभ नाथर मंदिर चेस के खेल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही चोल साम्राज्य के दौरान तमिलनाडु से अन्य देशों तक व्यापार होने के कितने ही उल्लेख मिलते हैं। भाइयों और बहनों, एक देश के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाते, गर्व के साथ इसे दुनिया के सामने रखते। लेकिन पहले क्या हुआ आप जानते हैं, अब आप सबने ये सेवा करने का सौभाग्य मुझे दिया है। मुझे याद है जब मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल भाषा में तमिल से कोट किया था, तब देश और दुनिया के कई लोगों ने मुझे मैसेज करके खुशी जताई थी। मुझे जाफना जाने का अवसर मिला था श्रीलंका में। जाफना जाने वाला मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री था। श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वहां के लोग लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे थे। हमारी सरकार ने उनके लिए भी कई काम किए, तमिल लोगों को घर बना कर दिए। जब वहां गृह प्रवेश का समारोह हो रहा था, तब एक बड़ा ही दिलचस्प आयोजन भी हुआ था। जैसे तमिल परंपरा है, गृह प्रवेश से पहले घर के बाहर लकड़ी पर दूध उबालने का एक कार्यक्रम होता है। मैंने उसमें भी हिस्सा लिया था और मुझे याद है जब वो वीडियो तमिलनाडु में देखा गया, इतना मेरे प्रति प्यार बरसाया गया। डगर डगर पर आप अनुभव करेंगे कि तमिल लोगों के साथ, तमिलनाडु के साथ मेरा मन कितना जुड़ा हुआ है। तमिल लोगों की निरंतर सेवा करने का ये भाव मुझे नई ऊर्जा देता है। साथियों, आप सभी को जानकारी है कि हाल ही संपन्न हुआ काशी तमिल संगम कितना सफल रहा। इस कार्यक्रम में हमने प्राचीनता, नवीनता और विविधता को एक साथ सेलिब्रेट किया। इन आयोजनों में तमिल साहित्य के सामर्थ्य के भी दर्शन हुए हैं। काशी में तमिल संगमम के दौरान कुछ ही समय में हजारों रुपये की तमिल भाषा की पुस्तकें बिक्री हुई थी। तमिल सिखाने वाली पुस्तकों के लिए भी वहां जबरदस्त क्रेज था। हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वो भी आज डिजिटल युग, ऑनलाइन की दुनिया, ऐसे समय काशी में हिंदी भाषी लोग
तमिल किताबों को इस तरह पसंद किया जाना, हजारों रुपये की तमिल की किताबें खरीदना, ये हमारे देश के सांस्कृतिक कनेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं मानता हूं तमिल लोगों के बिना, काशीवासियों का जीवन अधूरा है और मैं काशीवासी हो गया हूं, और काशी के बिना तमिल के लोगों का जीवन भी अधूरा है। ये आत्मीयता जब कोई तमिलनाडु से काशी आता है तो सहज ही दिखाई देती है। काशी का सांसद होने के नाते ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है। मैंने देखा है कि काशी में जो नौका चलाने वाले लोग हैं, शायद ही कोई ऐसा नौका चलाने वाला मिलेगा जिसको तमिल के 50-100 वाक्य बोलना ना आता हो। इतना वहां पर मेलजोल है। ये भी हम सभी का सौभाग्य है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पर एक चेयर की स्थापना की गई है। सुब्रमण्यम भारती जी ने काफी समय काशी में बिताया था, काफी कुछ वहां से सीखा था। ये भी पहली बार हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों में, काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट बहुत पुराना है, पहली बार काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का ट्रस्टी तमिलनाडु के एक महाशय को बना दिया गया है। ये भी प्यार है। ये सारे प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाले हैं। साथियों, तमिल लिटरेचर से हमें अतीत के ज्ञान के साथ ही भविष्य के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तमिलनाडु के पास तो ऐसा लिटरेचर है जिसमें से काफी कुछ 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जैसे कि संगम लिटरेचर से पता चला कि एंशियंट तमिलनाडु में कई तरह के मिलेट्स श्री अन्न उपयोग में लाए जाते थे। प्राचीन तमिल साहित्य अग्नानुरु में मिलेट्स के खेतों के बारे में लिखा गया है। महान तमिल कवित्री अवैयार अपनी एक सुंदर कविता में स्वादिष्ट वर्गु अरिसी छोरू इसके बारे में लिखती हैं। आज भी अगर कोई ये पूछता है कि भगवान मुरुगन को नैवेद्य के रूप में कौन सा भोजन पसंद है तो जवाब मिलता है तेनुम तेने इवामुम। आज भारत की पहल पर पूरी दुनिया मिलेट्स की हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा से जुड़ रही है। मैं चाहूंगा कि आज हमारा एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन मिलेट्स से भी जुड़ा हो। हमारा रिजोल्यूशन होना चाहिए कि मिलेट्स को हम वापस अपने खान पान में जगह देंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। साथियों, अब से कुछ देर में यहां तमिल कलाकारों की परफॉर्मेंस भी होने वाली है। ये हमारी कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत का भी प्रतीक है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे पूरी दुनिया तक लेकर जाएं, इसे शोकेस करें। साथ ही इन आर्ट फॉर्म्स का कैसे समय के साथ विस्तार हो, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में ये जितना ज्यादा पॉपुलर होंगे, उतना ही वो इसे नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे। इसलिए युवाओं को इस कला के बारे में बताना, उन्हें सिखाना, ये हमारा सामूहिक दायित्व है। और मुझे खुशी है कि आज का ये आयोजन इसका भी एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में
हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी तमिल विरासत के बारे में जानें और देश और दुनिया को गर्व के साथ बताएं। ये विरासत हमारी एकता और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। हमें तमिल कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज और तमिल ट्रेडिशन को निरंतर आगे बढ़ाना है। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सबको पुतांडू की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुर्गुन जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर में शरीक होने का मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।